लाइक उसका देखते हैं क्या यूज होगा, पर लव अर्थ का 10 हो गया। और आप लोग इस पे विंक लाइनर देखा, अगर आप लोग लैशेस लगे, और ये ब्रश था मेरा ब्लैक। हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आजकल अरेबियन नाइट्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, तो आज हम लोग उसी का जो है मेकअप करने वाले हैं, एंड उसके साथ साथ जो है हम लोग जो यहाँ पर रोज पीस हम लोग कैरी करते हैं वो भी करने वाले, एंड ये भी लगवाने वाले। मैं आप लोगों को एक सेकेंड में दिखाती हूँ। तो मेरे पास ऐसा तो कुछ अटायर नहीं है, बट ये लगाऊँगी मैं, देखते कैसा लगने वाला है ये। आई डोंट नो कि कैसा लगता है, बट मैं आपको बता दूँ ये क्या है। ये एक पायल है जो कि मैं पहनी थी, थोड़ी हैवी पायल है, तो लाइक उसका देखते हैं क्या यूज़ होगा। बहुत ज़्यादा पता नहीं ये कैसे होने वाला है, तो लाइक थोड़ा सा यही लग रहा है। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ हम लोग आई मेकअप करेंगे आज, और हल्का हल्का सा इधर ज्यादा कुछ लगवाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा नोज पीस क्या होने वाला है, एंड स्कार्फ पहनेंगे हम लोग। एंड अगर उसके ऊपर, अगर स्कार्फ के ऊपर अगर हम लोग ये ऐसे डालेंगे तो कैसा लुक लगेगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। आज मैं आई मेकअप के लिए यूज़ करने वाली हूँ मैजिक की जो पिगमेंट्स मैंने वीवा से परचेज करी थी, वो मैं आज बॉम्बे मेरी कज़िन के फंक्शन में, तो उसकी इसी में मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत, ये नायका का जो मेरा बॉक्स है उसी में मैंने ये थोड़ा बहुत कैरी कर लिया था, बिकॉज पाउच वगैरह में इसे बड़े बड़े पैलेट्स वगैरह नहीं आते हैं। पाउचेस लेने के लिए ढूंढ रही हो, अगर आप लोगों को पता हो कि बड़े बड़े पाउचेस कहाँ मिलते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और चलिए इसी में से आज जो है हम लोग मेकअप करेंगे, सिंपल और ग्लैम लुक के रखेंगे। वो का क्या होता है ना कि आई मेकअप थोड़ा ग्लिटर वगैरह होता है, बट जो नीचे यहाँ पर होता है काजल बहुत ज़्यादा थिक होता है, वही करना है। यहाँ से पहन लेती हूँ लेंसेस आ चुकी है, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेंसेस थोड़ी ग्रेइश कलर के टाइप में है, क्योंकि जो अरेबियन मेकअप लुक होता है उसमें ना थोड़ी सी ऐसा बोल्ड कलर ही पहनते हैं, एज यू कैन सी कि इसमें ग्रे कलर का पूरा इफेक्ट आ रहा है, और ये लेंसेस मेरे फेसेस को बहुत ही अच्छे से मैच भी हो रही है। इस मेरा CTM हो चुका है, अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर लव अर्थ का 24 कैरेट गोल्ड सीरम, और ये बहुत ही अमेजिंग सीरम है, और ये वाटर बेस्ड सीरम है एज यू ऑल कैन सी, ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, बिफोर मेकअप भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। और इसकी मैं इसकी जो स्मेल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे से स्किन में बहुत ही इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, और ये ऑल स्किन टाइप है, इसका यही बहुत एक अच्छा पॉइंट मुझे लगता है। एंड ये ज़रा सा भी स्टिकी नहीं है फेस पर, एकदम वाटर बेस्ड है। इनका कंसीलर इन द शेड 10। अब मैं ब्राउज को है ना आजकल मैं ये देने लगी हूँ यहाँ पर लाइन्स, क्योंकि ना यहाँ पे लाइंस देने से एक अच्छा इफेक्ट आता है, डिफाइंड मिल जाता है ब्राउज को, कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्राउज हमारी हाईलाइट भी होकर दिखती है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगता है मुझे। इतना हो गया है, आज पाउडर का काम बिल्कुल कम एकदम कम। सबसे लाइटेस्ट शेड उठा रही हूँ, एज यू ऑल कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा ग्लैम एकदम दिख रहा है, ज़्यादा एकदम डार्क नहीं दिख रहा है। सो कि आप लोग कभी भी पिगमेंट्स लगवाते हो तो आप लोग क्या करते हो कि डायरेक्ट आप लोग ऐसे फिंगर से लगवा लेते हो, बट आज मैं आपको बताऊँगी कि आपका बहुत ज़्यादा पॉपअप होकर दिखने के लिए क्या करें, या फिर हल्का सा डार्क 1 इंच डार्क शेड अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो क्या करें। टेक अ ब्लैक आई शेडो एंड जस्ट आपकी जो लीड है जस्ट ऐसा प्रॉपर आप लोग इसको ऐसे सॉफ्ट स्मोकी भी रख सकते हैं, बट मुझे सॉफ्ट स्मोकी नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा मेकअप क्या होने वाला है। मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लिक्विड आई शेडो। सो अभी मैं इसको क्या करूँगी कि डायरेक्ट ऐसे इससे अप्लाई नहीं करूँगी, जो ब्रश होता है उससे अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट मैं अपने फिंगर पर लूँगी, और मैं कोई भी ब्रश भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट अपने फिंगर्स पर ले रही हूँ, ठीक है।
एंड अब मैं क्या करूँगी, ऐसे स्वाइप नहीं करूँगी, स्वाइप करूँगी तो सिर्फ एक गोल्डन का शेडिंग आएगा, बट मुझे गोल्डन का एकदम लाइट शेडिंग चाहिए। इसके लिए जस्ट मैं क्या करूँगी, डैप, एज यू कैन सी ना कि थोड़े थोड़े ना पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा मुझे एकदम प्रॉपर शेड नहीं चाहिए, जस्ट इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? एज यू कैन सी कि अगर आप लोगों को एकदम सॉफ्ट ग्लैम भी रखना तो भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वेट, एंड तक वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा ब्लैक कम भी कर सकते हैं, अगर आप लोग ऐसे ही रखोगे ये भी एक अच्छा सा लुक बनता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग ऐसे नॉर्मल रखोगे और आप लोग इस पर विंक लाइनर देगा, अगर आप लोग लैशेज लगाओगे तो भी बहुत ही अमेजिंग लुक देगा। अगर आप लोगों को इतना सिंपल लुक नहीं चाहिए तो आप लोग मेरी तरह अप्लाई कर सकते हैं आई मैजिक का पिगमेंट। यहाँ पर मैं आई मैजिक का पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, 9 फॉर एवर लव, और ये बहुत ही अच्छा शेड है, एंड ये आई मैजिक का पिगमेंट है, और ये मैंने विवा से परचेज किया। अगर आप लोग ने विवा की मेरी व्हाट आई ब्रॉट फ्रॉम विवा की वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब मैं क्या करूँगी ना, जस्ट मैंने इसका कैप खोला है, एंड मैं इसको जो मेरा नॉर्मल वाला पैलेट है मैं इसको नॉर्मल पैलेट पर ही ले रही हूँ, लाइक थोड़ा सा एकदम, जस्ट इतना भी बहुत है फॉर माई आईज। सो अब मैं क्या करूँगी ना, जस्ट इसको ले रही हूँ एंड जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, स्वाइप। पिगमेंट्स को कभी भी स्वाइप करना, इट्स आ चुके हैं, ब्लेंड किया था। ये ब्रश था मेरा ब्लेंडिंग ब्रश, और ये वाला ब्रश था मेरा एप्लीकेटर ब्रश। ये था ब्लेंडिंग ब्रश, ये था एप्लीकेटर ब्रश। एप्लीकेटर पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत डार्क प्रोडक्ट रह जाता है, इसके लिए हम लोग ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करेंगे, थोड़ा सा फ्लफी भी है तो ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करेंगे। कुछ भी प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस इसको नॉर्मल जैसा है वैसे ही रखना है। एंड क्या करना है ना, आप लोगों का जो ऊपर वाला है जो क्रीज है उसको जस्ट एक्स्ट्रा, अगर कुछ भी ग्लिटर वगैरह रहे तो जस्ट डस्ट ऑफ कर लेना, बहुत ही नीट एंड क्लियर लगेगा। यहाँ पर मैं विंग्ड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लिफ्टेड बनाना है मुझे, लाइक लोगों का थोड़ा कैट आइज टाइप में रहता है, एंड जो नीचे वाला रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा काजल भी बहुत ज़्यादा बाहर आएगा, एंड जो बीच में रहेगा ना उसमें वहाँ पर आएगा हमारा सिल्वर कलर का काजल या फिर आई लाइनर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो फटाफट से थोड़ा लिफ्टेड बनाना है तो मैं जस्ट कैमरे के से सामने आती हूँ थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैट आई टाइप में फील आ रहा है। सो ये वाले आईज़ भी करते हैं, गॉड ब्लेस। बहुत ही अच्छा लगने चुका। अब लगाएंगे लैशेज। लैशेज ना बहुत ही विंग्ड होती, बहुत ही ज़्यादा बड़ी था लैशेज। लैशेज लग चुकी है एंड अभी करेंगे हम लोग नीचे वाली लाइन जो कि होने वाली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, सेम एज इट इज लगाएंगे। कल बिलो अपना टेक अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर, ये इतना पार्ट तो हमारा हो चुका है। ठीक है, ये इतना इसके लिए हम लोग व्हाइट करेंगे क्योंकि अभी ब्लैक आने वाला है तो इसके लिए वो पॉपअप होकर दिखेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग कि ये इतना पार्ट तो हमारा हो चुका है। ठीक है, ये इतना इसके लिए हम लोग व्हाइट करेंगे क्योंकि अभी ब्लैक आने वाला है तो इसके लिए वो पॉपअप होकर दिखेगा। सो फटाफट से जो है अभी आईब्रो पैलेट ले लेती हूँ मेरा यहाँ पर, ऐसा जो एज यू कैन सी कि थोड़ा सा कट है, ब्लैक आई शेडो कैरी कर लो एंड सबसे पहले जो है नीचे कर लो। ठीक है, वाटर लाइन पे
सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर वाला लाइनर है और जो नीचे वाला जो हमारा काजल है उसकी भी जो काजल की विंक है वो भी सेम एज इट इज़ निकाल लेंगे, क्योंकि अरबिक लुक में वैसी ही रहता है। एंड जो हमारे काजल और लाइनर की जो विंक है उसके अंदर हम लोग जो है सिल्वर कलर का काजल, या फिर आप लोग यू कैन बी की जैसे मेरे पास पैलेट है, आप लोग वो पैलेट में से सिल्वर कलर यूज़ कर सकते हैं। ये है फेस पेंट, मैं ले रही हूँ लाइनर ब्रश, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिल्वर शेड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस एंजॉय दिस अरेबियन लुक, और अगर आपको लुक ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।